हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक पे बात होगी। और आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये 99% कैंडिडेट को ये चीज़ नहीं पता है, जो टेक्निकल कैंडिडेट हैं और जो नॉन टेक्निकल हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, जो नॉन एक्सपीरियंस हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा ही है ही ये, चाहे वो मेंटेनेंस का कैंडिडेट, चाहे वो मेंटेनेंस में काम करता हो, या फिर इलेक्ट्रिकल में काम करता हो, या फिर प्रोडक्शन में काम करता हो, पता रहने के बावजूद भी वो इस पे काम नहीं कर पाते, इसके नाम को नहीं जानते। तो आज मैं बता दूं कि यह पर्टिकुलर क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा जो हमारे ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ये जो होते हैं ना, ये क्या होता है, किसी भी कंपनी के जो रीढ़ होते हैं, क्या होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है, जो भी मटेरियल को बनाता है, उस मटेरियल को अच्छे ढंग से फ्लो होके वो आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा दे सके, ठीक है। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है फ्रेंड्स कि जो भी मशीनें चलती हैं वो कम से कम ब्रेकडाउन हो, कम से कम जो है वहाँ पे लागत में कम से कम जो है ब्रेकडाउन आए मशीन पर, हमेशा चेकिंग के लिए, हमेशा जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरी बटी हुई है फ्रेंड्स मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। उसके बाद अपना इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, अगर जो मशीनें से होती हैं, मशीन के अंदर एक जो है कंट्रोल पैनल होता है, उसका भी अलग एक डिपार्टमेंट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है ना कि इसमें एक मोस्ट रोल अदा करता है जिसका नाम होता है टूल चेंजर, ठीक है। टूल चेंजर एक ऐसा जो है मशीन का पार्ट होता है जो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग में तो होता ही है, जो है मैनुअल भी टूल चेंजर्स होता है, ऑटोमेटिक भी टूल चेंजर्स होता है। जो कैंडिडेट इसको नहीं जानते, आज वो जान जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बता दूँ, टूल चेंजर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक मैनुअल, आप लेथ मशीन पे आप टूल देखे होंगे, वहाँ पे टूल पोस्ट होता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि हम टूल पोस्ट में कोई सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जब लगाते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट फोर वे टूल पोस्ट होता है, जिसमें चार टूल लग सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद उसी मैनुअल को कन्वर्ट करके, जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ, उसके बाद जैसे जैसे टूल की ऑपरेशंस के अनुसार टूल को जो है और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता हुई, अधिक ऑपरेशंस करने हैं तो ज़्यादा टूल की आवश्यकता होगी, तो मैनुअल तो हम कर नहीं सकते। डेफिनेटली हम CNC मशीन आ गई, ठीक है, फिर उसके बाद DNC मशीन्स आ गई, पहले खराद मशीन थी, फिर CNC मशीन बनी, NC मशीन बनी, फिर CNC मशीन बनी, फिर अब इस समय एक CPU से, एक कंप्यूटर से जोड़ के डिफरेंट मशीन चलाई जा रही हैं, जिसको DNC मशीन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग है, लेकिन इसमें जो यूज होता है फ्रेंड्स, उसी तरह से ये इसका भी, जो आप ये सामने टूल चेंजर देख रहे हैं, इस टूल चेंजर्स का बहुत ही बड़ा रोल अदा है। क्योंकि टूल चेंजर्स एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा जो है रोल अदा करता है ऑपरेशंस करने के लिए, क्योंकि टूल्स जो होते हैं अपने, चाहे वो किसी भी प्रकार के टूल हो, SS टूल हो, हाई कार्बन स्टील का टूल हो, कार्बाइड टूल हो, कोई भी हो, डायमंड टूल हो, जिस भी कैटेगरी का टूल होता है, हम जो है ऑटोमेटिक टूल चेंजर में ही जो है फिट करते हैं। और ऑटोमेटिक टूल चेंजर्स का यूज क्यों होता है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग जो करते हैं, जो प्रोडक्शन लाइन का जो एक प्रोग्रामर होता है, वो जो है अलग अलग ऑपरेशंस, क्योंकि कंपोनेंट पे होते हैं, उस कंपोनेंट को अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग टूल की आवश्यकता पड़ती है, अलग अलग टूल की मांग होती है। तो क्या करते हैं कि हम तो हर बार हर ऑपरेशंस के लिए टूल को तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना होता है। तो जब हम मैन्युअली हर ऑपरेशंस के लिए अलग अलग टूल चेंज करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे हमारा जो साइकिल टाइम है, वहाँ पे जो भी है लॉस होगा। उस लॉस को बचाने के लिए जैसे अपग्रेड हुई टेक्नोलॉजी, वहाँ पे ऑटोमेटिक टूल चेंजर जो है बनाया गया। लेकिन ऑटोमेटिक टूल चेंजर जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनाया गया, क्योंकि जो ऑटोमेटिक टूल चेंजर्स है, ये ड्रम ऑटोमेटिक टूल चेंजर्स है जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, चार टाइप के मैंने आपको सामने दिखा रखा है,
ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ड्रम टाइप टूल चेंजर्स है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग साइज के अलग अलग जो है पर्टिकुलर आप टूल्स को बांध सकते हो, जैसे ड्रिलिंग हो गया, रिमिंग हो गया, बोरिंग हो गया, ठीक है, और उसके बाद उसके काउंटर सिंकिंग हो गया, काउंटर बोरिंग हो गया, अलग अलग टूल्स जो है आप इस पर बांध सकते हो और ऑपरेशंस कर सकते हो, ठीक है। ये ड्रम टाइप टूल चेंजर्स है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इंटरव्यू में हर कैंडिडेट से ये पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे पर्टिकुलर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट यहाँ पे आके इस टूल चेंजर को जो है सेट करता है, और या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो ज़्यादा दिन एक्सपीरियंस बंदा होता है उसको सेट करता है, ठीक है। तो उसके बाद एक और होता है चैन, ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि इसमें 100 to 100 टूल्स लगे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अक्सर जो यूज होता है वे फ्रेंड्स VMC मशीन में ही यूज होता है, जो 6 एक्सिस की मशीन से होती हैं, जो 5 एक्सिस की मशीनें होती हैं जहाँ डिफ़िकल्ट पार्ट को बनाया जाता है, जैसे अपना जो है गाड़ी में सिलेंडर हेड होता है, सिलेंडर ब्लॉक होता है, ये सारी जो चीज़ें बनती हैं डिफ़िकल्ट चीज़ें, वहाँ पे इस चीज़ का, इस चैन टाइप टूल चेंजेस का यूज किया जाता है। इसमें अलग अलग भी होते हैं, देखिए आप लोगों के सामने चैन बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप पहले बता दूं, क्योंकि इंटरव्यू में मैकेनिकल का इंटरव्यू हो रहा है तब भी ये पूछ लिया जाता है कि टूल चेंजर क्या होते हैं, तो मुझे पता होना चाहिए टूल चेंजर्स क्या होते हैं, क्योंकि मैकेनिकल का जो बंदा होता है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हो या फिर मैकेनिकल मेंटेनेंस का हो, वो दोनों चीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रोडक्शन का बंदा है तो सिर्फ आउटपुट ही देता रहे, वो मशीन के भी बारे में कुछ जानता हो, ठीक है, जैसे करेक्शन वगैरह करना होता है फिर, या फिर टूल को चेंज करना होता है, तो उससे अच्छा मोमेंट कोई जो हमेशा उस पर लगा रहता है उससे अच्छा और कोई ना जान सकता। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इसको जाके वहाँ पे हमेशा इसकी जो चेंस होती हैं उसमें लुब्रिकेंट करना, इसकी जो स्लाइडिंग होती है उसको भी लुब्रिकेंट करना, ताकि हमारे जो मशीन्स का फ्लो है, मशीन्स का जो आउटपुट है वो अच्छे ढंग से दे सके, और ज़्यादा जो है ब्रेकडाउन ना आए। अगर ब्रेकडाउन आने की संभावना है, या बेयरिंग है यहाँ पे जो भी गियर लगे हैं या फिर जो भी है ब्रेकडाउन होने की संभावनाएं हैं, तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मिलके इसको ब्रेकडाउन को रोक सकते हो, ताकि हमारा प्रोडक्शन फ्लो हमेशा बना रहे। चैन चेंजर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑटोमेटिक चैन के ऑपरेशंस के रिकॉर्डिंग वहाँ पर टाइमिंग फिक्स की होती है, और उस टाइमिंग के अनुसार चैन ऑटोमेटिक घूम जाती है, फिर टूल चेंज हो जाता है। तो ये आज की जो टॉपिक थी ना, अगर इस टूल चेंजर, मैं बता दूँ टूल चेंजर्स ऐसे 3 प्रकार के होते हैं, मैनुअली टूल चेंजर्स होते हैं, ऑटोमेटिक टूल चेंजर, ड्रम टूल चेंजर, और आप चैन टूल चेंजर, 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन आप लोग बता सकते हो कि ड्रम टूल चेंजर और चैन टाइप टूल चेंजर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं तब, लेकिन फ्रेंड्स उसके पहले मैं बता दूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी कैंडिडेट या STD कर रहे हों या फिर जो है इंडस्ट्री में आने के सोच रहे हों ना, तो अपना जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपना कवर करके चलें, ताकि इंडस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो अपने ही ब्रांच से, अपने ही ट्रेड से रिलेटेड जॉब पकड़ने की कोशिश करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा कि चैन टूल चेंजर्स होता क्या है, ठीक है। तो क्योंकि ये चैनल इसीलिए बनाया गया है कि आप लोगों को सपोर्ट रहेगा, तो मैं बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों को ला के दूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू एंड बाय बाय।